थी लोगों की, और आज हमारे पास सिर्फ 50 लोग आए हुए हैं। और मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी लीडर्स की कि आप जो उनसे ना सर कैपेसिटी ज्यादा करें, लोग बहुत होते हैं, और आज हमारे पास सिर्फ 49 लोग हैं। आई होप के साथ साथ हमें ज्वाइन करते रहेंगे। और असल में मुझे कॉल्स और लीडर्स के इतने सेशन और साथ साथ बीच में चल रहे हैं कि जोन सा है, बहुत सारे लोगों को काफी चीजें क्लियर भी हो चुकी हैं, क्योंकि वकास साहब भी कर रहे हैं, सदफ भी कर रही है, मैं भी सेशंस कर रहा हूँ। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि लीडर्स भी सेशंस कर रहे हैं हमारे पास, जो नई चेंजेस आई हैं उनके ऊपर। बहुत ही ज्यादा हैपनिंग मंथ है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मंथ है, और इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर एज वेल, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो। तो हम स्टार्ट करते हैं जी विदाउट एनी डिलेज हमारी नई ऑफर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 2021 इज ऑल अबाउट स्पीड, मींस के हम लोग जितना काम कर रहे थे, जितने बेनिफिट्स हमारे पास आ रहे थे, वो सब चीजें डबल के ऊपर जा रही हैं। हमारा जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, अब कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए बेनिफिट्स और पैसे हम जल्दी अर्न कर सकते हैं, लीगल वे के अंदर एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हुए, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हुए, और दूसरों का ख्याल रखते हुए, ओरिफ्लेम की जो हमारी वैल्यूज हैं उनको सामने रखते हुए। नाउ थिंग्स हैव बिकम वेरी इजियर विद ऑल दीज न्यू ऑफर्स एंड ग्रोथ टूल्स। तो आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं इनके मैकेनिक्स क्या है, क्योंकि जब भी कोई नई ऑप्शन आती है, अगर लोगों को उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो उसको उसकी बेस्ट वे के अंदर यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हम देखने के लिए जा रहे हैं हमारे पास कौन कौन से टूल्स आए हैं। सबसे पहले आप ऑलरेडी भी देख चुके हैं 2021 का साल हमारा स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आया स्पीड बोनस, जिससे हमारे नए ज्वाइनर्स की स्पीड और ग्रोथ और स्पीड अप हो जाएगी, और साथ साथ उनको बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर बोनस की, वो लोग जो कि इनको इंडक्ट करेंगे अपनी डाउनलाइंस के अंदर, अपनी फर्स्ट लाइन में, उनको क्या बेनिफिट होगा। फिर हम बात करेंगे मैनेजर्स की, क्योंकि हमारे पास 15 अबव के लोग हैं 21% तक के, उनके लिए स्पेशल ग्रोथ प्रोग्राम में क्या ऑप्शन है। डबल स्पीड की बात करेंगे कि जो भी हम बात कर रहे हैं कि दिस ईयर इज ऑल अबाउट स्पीड, ठीक है, और वो कहते हैं सक्सेस लव स्पीड, तो ये है क्या स्पीड और किस तरह आपके टाइटल्स जल्दी जल्दी हासिल होंगे, उसकी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वेलकम प्रोग्राम की, कि हमारे वेलकम प्रोग्राम में किस तरीके से हमने चेंजेस लाई और उसको मजीद स्ट्रेंथन कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस क्लास की, एक ऐसी ऑप्शन की जो कि एडिशनल ऑप्शन है, मजीद आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा है बिजनेस क्लास, तो आपके बिजनेस को मजीद सपोर्ट करने के लिए जो ऑप्शन हमारे पास आई है। फिर आ गया जी हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग क्लब, इसके लिए जो ये गोल्ड क्लब है, इसके लिए हम सेपरेटली सेशन भी कंडक्ट कर रहे होंगे टू फिल्टर आउट पीपल जो कि सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, उनको सक्सेसफुल करने के लिए। और दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ बेसिकली, और इस साल के अंदर इसे हम कहेंगे ग्रोथ ईयर। ये एक ऐसी बेस होगी जो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बुनियाद रख देगी, जो कि आपको कई आने वाले डिकेड्स तक हेल्प कर रही होगी, आपको और आपकी फैमिलीज को और आपके बिजनेस को। तो लेट्स सी कि सबसे पहले हमारे पास इस साल में जो अमेजिंग ऑप्शन आई है, दैट इज स्पीड बोनस। स्पीड बोनस को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन ये हमारे पास मौजूद है स्पीड बोनस की। स्पीड बोनस क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं जी। स्पीड बोनस बेसिकली ये हमारे पास जो कैंपेन है, ये जो हमारे पास ऑप्शन आई है, ये आई है फेब 2021 में, और इसका लास्ट मंथ होगा दिसंबर 2021। और इस दौरान जितने भी नए ज्वाइनर्स हमारे पास आ रहे हैं, वो अगर आते साथ ही करंट मंथ के अंदर अपना 3% टाइटल अचीव कर लेते हैं ज्वाइनिंग मंथ के अंदर, तो उनको उनकी नॉर्मल इनकम के अलावा, उनका जो इमीडिएट प्रॉफिट है उसके अलावा, बाकी बेनिफिट्स के अलावा 600 रुपीज का कैश उनको बोनस मिलेगा। और अगर सेकंड मंथ के अंदर वो एक टाइटल अपग्रेड कर लेते हैं, यानी कि 3 to 6 मूव कर लेते हैं, तो उनको 2000 रुपीज मिलेंगे उनकी बाकी की इनकम के अलावा। इसके अलावा थर्ड मंथ के अंदर अगर वो मजीद प्रोग्रेस करते हैं, 9% के टाइटल को अचीव कर लेते हैं, तो उनको 4000 का कैश बोनस है। और अगर फोर्थ मंथ के अंदर वो 12% को अचीव कर लेते हैं, यानी कि मैनेजर टाइटल अचीव कर लेते हैं, तो उनको उनकी नॉर्मल बाकी की इनकम के अलावा 6000 रुपीज का कैश बोनस मिलेगा। जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको बताता चलूं, ये ऑप्शन जो फोकस कर रही है ना हमारा स्पीड बोनस, That is for new brand partners, यानी कि नए आने वाले लोग। लेकिन इसके अंदर एक नई ऑप्शन हमने आपके लिए ऐड कर दी, एक्चुअली तो ये स्टार्ट हो रहा है फेब से, लेकिन अगर आपके पास जनवरी के भी कोई ऐसे लोग हैं
जो कि आपकी डाउनलाइन में आए हुए हैं, या अगर आपने जनवरी में ज्वाइन किया, हमारे को हो सकता है नए लोग भी यहाँ पे मौजूद हो, तो आप लोग अगर आपने 3% टाइटल नहीं क्लोज किया जनवरी के एंड के ऊपर, तो आप अभी क्लोज करके इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। इसके अंदर आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की कोशिश करनी है कि ये कंजेक्टिव मंथ्स के अंदर है। इसके अंदर अगर गैप आ जाएगा तो फिर आप इस सीक्वेंस से, और ये जो सक्सेस पाथ है, ये जो ट्रेन है, ये जो स्पीड बोनस है, इससे फिर आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ब्रेक नहीं आने देना। अगर आपके हायर एंड पे टाइटल अचीव हो जाए तो दैट इज वंडरफुल, और अगर हायर एंड के नहीं होते, आपने मिनिमम अपने हर मंथ के क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक हमारे पास टाइटल आए, एक नए ज्वाइनर आए, उन्होंने फेब के मंथ के अंदर 3% किया, उनको 600 का बोनस है। मार्च में करेंगे तो उनको 2000 है, अप्रैल में 4000 आ गया 9% अचीव करने पे, और मई में 12% पे उनको 6000 मिल रहा है। ये तो सबसे ऊपर इलिस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है ना इस टाइम स्क्रीन पे। इनका टोटल बोनस बनता है जी पहले 4 महीने का 12600 रुपया, नए ज्वाइनर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर किसी मौके के ऊपर ये अपना 6% या 9% टाइटल एज पर अपग्रेड रिक्वायरमेंट नहीं पूरा करते, तो वो इस ऑफर से बाहर हो जाएंगे। तो आप अगर हायर एंड को पूरा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड मंथ के अंदर 6 की जगह पे 9 या 12% टाइटल अचीव कर लेते हैं, आपका बोनस 2000 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 9 अचीव कर लिया तो आपको 4000 मिल जाए, या 12 अचीव कर लिया तो आपको जोन सा है वो 6000 मिल जाए। ये 4 मंथ कंजेक्टिव मंथ्स का कैंपेन है, आप समझ लें। जरूरी नहीं है कि आप फेब में ही ज्वाइन करें, हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो कि मार्च में ज्वाइन कर रहे हो, अप्रैल में ज्वाइन कर रहे हो। ये सारे लोग इसमें इनरोल होंगे और इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल होंगे। इन फैक्ट कि अगर आपके पास कोई शख्स दिसंबर में भी आ जाता है 2021 में नया ज्वाइनर, और वो आके उसी मंथ में 3% टाइटल अचीव कर लेता है, तो वो इस क्राइटेरिया में इस ऑप्शन के अंदर इनरोल हो जाएगा। मीन्स के वो फिर आने वाले जनवरी के अंदर 2000, फिर फरवरी के अंदर 4000, और मार्च के अंदर 6000 के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है जी, तो दिसंबर में आने वाले नए लोग भी इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है, ये जो मैंने अभी बात बताई है आपको, ये इसी को सपोर्ट कर रही है। देखिए जरा एक और पॉइंट इस ऑफर को समझने के लिए गौर कीजिएगा एक पॉइंट पे, ताकि आपको एक बस की क्लैरिटी मिल गई तो आप अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ये जो यहाँ पे मंथ लिखा हुआ आ रहा है वो सारे के सारे मंथ इलस्ट्रेशन के अंदर आ रहे हैं, फेब से लेके मई तक के 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, ये मंथ मार्च से भी स्टार्ट हो सकता है, अप्रैल से भी, और मई से भी, किसी भी मंथ से ये स्टार्ट हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी पहला मंथ है वो फेब है, मार्च है, अप्रैल है, या मई है, पहले महीने में आपका टारगेट मिनिमम है 3%, आप उसको पूरा करेंगे तो आप बोनस क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकेंड मंथ के अंदर है 6%, आप उसको क्वालिफाई करेंगे तो आप बोनस क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर 6% से ज्यादा होता है तो भी 6% मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेकेंड मंथ की। अगर 6% से आप नीचे आ जाते हैं तो आपको फिर आगे आने वाले, अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो आपको नहीं मिलते। आपको स्पीड बोनस नहीं मिलता, बाकी के बेनिफिट्स वहीं पे हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ देर में बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर देखिएगा यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इलस्ट्रेशन 4 को देखते हैं, ठीक है, जरा इलस्ट्रेशन 4 जो लिखी हुई आ रही है इसको देखिएगा कि एक नए ज्वाइनर ने ज्वाइन किया, ख्वाब जनवरी में किया 2021 में या फरवरी में किया, लेकिन उन्होंने फर्स्ट मंथ के अंदर जनवरी में कोई टाइटल उनका नहीं अचीव था, 0% पे थे, फेब के एंड के ऊपर टाइटल क्लोज हुआ, यानी कि इस मंथ के एंड के ऊपर वो 9% क्लोज कर लेते हैं, तो उनको कितना बोनस मिलेगा 3% का, जो कि 600 है। उन्होंने 3% करना था लेकिन उन्होंने 9 कर दिया। सेकेंड मंथ की रिक्वायरमेंट है 6%, उन्होंने 6 नहीं किया, उन्होंने दोबारा 9 कर लिया, अब उनको 6% का जो बोनस है जो कि 2000 है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड मंथ के अंदर उन्होंने क्या करना था, अब उन्होंने करना था 9%, लेकिन वो 9 नहीं कर सके, उन्होंने 6% किया, तो अब वो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि 3% की रिक्वायरमेंट है 9%। ऊपर हो जाए तो नो मैटर, अगर कम हो जाए तो फिर आप बोनस को क्वालिफाई नहीं कर सकते। वंस आपका डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप आने वाले बोनसेस को भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। लिहाजा प्लानिंग के साथ जाइएगा, ध्यान से देख के फुल प्लानिंग के साथ इन एडिशनल बेनिफिट्स को आपने अवेल करने की कोशिश करनी है। एंड प्रोबेबली इफ यू आर अ लीडर, आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो ये आपके नए ज्वाइनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है।
तो आपने कोशिश करनी है अपने नए ज्वाइनर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, टारगेट वाइज आगे लेके जाएं, ताकि आप लोग जो उनसे हैं उनको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर सके और वो ग्रो कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की अभी स्पीड बोनस की, और स्पीड बोनस की एक और इलिस्ट्रेशन यहाँ पे नजर आ रही है जिसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ इलिस्ट्रेशन 7 उमेर आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक शख्स ने ज्वाइन किया फेब के अंदर ही, 6% टाइटल अचीव किया, सेकेंड मंथ के अंदर उन्होंने अचीव किया 12%, थर्ड मंथ के अंदर किया 9% और फोर्थ मंथ के अंदर किया 12%। इनको टोटल बोनस मिल जाएगा यानी कि 12,600 रुपए, और ये मंथली बेसिस पे आपको डिसबर्स होगा। ये क्यों मिला, हालांकि ये 12% से 9% पे आए फिर भी इनको 4,000 मिल गया, व्हाट इज द रीजन, लेट मी टेल यू। पहले महीने की रिक्वायरमेंट थी 3%, इन्होंने 6% करके पूरा कर दिया। सेकेंड मंथ की रिक्वायरमेंट थी 12%, सेकेंड मंथ की रिक्वायरमेंट थी 6%, इन्होंने 12% करके पूरी कर दी। थर्ड मंथ की रिक्वायरमेंट थी 9%, इन्होंने 9% ही किया, एक्स्ट्रा नहीं किया, लेकिन इन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा किया तो उन्होंने अपने बोनस को क्वालिफाई कर लिया। और फोर्थ मंथ की रिक्वायरमेंट क्या है जी, वो है जी 12%, तो इन्होंने 12% को अचीव किया, इसीलिए इन्होंने हर मंथ के अंदर अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करके अपने बोनस को क्वालिफाई किया। फर्स्ट मंथ की 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है और फिर 12 है। रिमेंबर इट शुड बी कंजेक्टिव, और ये प्रोग्रेसिव ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए ऑप्शन मौजूद है आपके नए लोगों के लिए। ठीक है, स्पीड बोनस हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद मैं आपको एक थोड़ी सी ऑप्शन बताता हूँ एंटरप्रेन्योर के बारे में। वो लोग जो कि इनको जो इनके स्पॉन्सर होंगे, डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे, जो के लोग स्पीड बोनस क्वालिफाई कर रहे हैं, जो उनके डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे, वो लोग उनको हर बढ़ते हुए टाइटल के साथ इनकरेज करके और उनको हासिल करवा के 1,000 रुपीज का बोनस हासिल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर बोनस, एंटरप्रेन्योर बोनस कह लें, स्पॉन्सर बोनस कह लें इसको आप। आपके डायरेक्ट रिक्रूट्स जैसे जैसे स्पीड बोनस क्वालिफाई करेंगे, उनके हर बढ़ते हुए स्टेप्स के साथ आपको 1,000 रुपीज का कैश बोनस मिलेगा जी। आपके पास 2 हो जाते हैं ऐसे लोग जो कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आपको 2,000 मिलना शुरू हो जाएगा उनके हर बढ़ते टाइटल के साथ। 3 होते हैं 3,000, 4 होते हैं 4,000, और एक शख्स अगर अपने 4 टाइटल्स को क्वालिफाई करता है यानी कि 3, 6, 9 और 12 प्रोग्रेसिव कंजेक्टिव मंथ्स में अचीव कर लेता है, तो आपको उनसे टोटल बोनस एक शख्स से 4,000 मिल रहा होगा। 2 होते हैं तो 8,000 हो जाएगा, 3 होते हैं तो 12,000 हो जाएगा, और ये आपकी रेगुलर इनकम से हटके होगा। मैं आपको थोड़ी सी इसकी इलिस्ट्रेशन और थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, फिर मैं स्पीड बोनस और एंटरप्रेन्योर बोनस के ऊपर आपसे जो उनसे है ना वो क्वेश्चन करूंगा। आप अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है यू कैन डू दैट, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि हमारे पास स्पीड बोनस और एंटरप्रेन्योर बोनस के साथ पर्सनल पीटी की ऑप्शन खत्म हो गई है। पर्सनल पीटी एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में मोस्टली लोगों को शायद पता भी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा होता था। फॉर एग्जाम्पल 3 और 6% वालों को तकरीबन 100-200 रुपया मिल रहा होता था, अभी ये हजारों में चली गई है बात, यानी कि आप उनकी अर्निंग ज्यादा हो गई है नए लोगों की भी, और पुराने लोगों की भी अर्निंग ज्यादा हो गई है, क्योंकि आने वाली ऑप्शंस बहुत अच्छी और बहुत ही अमेजिंग है जो कि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो रिमेंबर हमारे पास पर्सनल पीटी की ऑप्शन खत्म हो गया। पर्सनल पीटी का मतलब ये होता है कि पहले आपको आपके पर्सनल ऑर्डर के ऊपर 20% जो डिस्काउंट मिल रहा होता था उसके अलावा भी 2-3% या 6% या 9% आपके टाइटल के लिहाज से आपको डिस्काउंट मिल रहा होता था पर्सनल ऑर्डर पे सिर्फ। अब वो डिस्काउंट खत्म हुआ है आपका, पर्सनल परफॉर्मेंस डिस्काउंट उसको कहते हैं, पर्सनल परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपकी खत्म हुई है। इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, लोगों को इसका पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब जो ऑप्शन आ गया इनका आपको पता चलेगा और इसका आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है, एक दो इलस्ट्रेशन आपको दिखा देता हूँ, देन आई टेक क्वेश्चंस और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके पास एक फेब के अंदर नया रिक्रूट आता है जो कि आपका डायरेक्ट रिक्रूट है, वो 3% टाइटल अचीव कर लेता है फेब के अंदर और उसने स्पीड बोनस क्वालिफाई कर लिया है, आपको 1,000 मिल जाएगा। इसी तरह उसी ने नेक्स्ट मंथ के अंदर 6% कर लिया और 9 और 12 कर लिया, तो आपको हर मंथ उनके बढ़ते हुए टाइटल के साथ और उनके बढ़ते हुए जो बोनस है उनके साथ आपको हर महीने 1,000 रुपया मिलता जाएगा। मींस कि अगर आपके पास एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ वाला रिक्रूट आ जाता है जो कि डायरेक्ट आपका मेंबर है जिसके आप स्पॉन्सर हैं, तो आप उसे 4,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं।
ठीक है, आप उनको हेल्प कर रहे होंगे, तो दिस इज योर रिवॉर्ड जो कि आपको मिलता है। अगर लैसे आपके पास दो लोग आ जाते हैं, जरा देखिएगा, आपके पास अगर दो लोग आ जाते हैं तो क्या होगा जी, आपको उन दोनों शख्स से हजार हजार मिलना शुरू हो जाएगा, दैट विल मेक 2,000 रुपीज। और अगर आपको उनके चार टाइटल्स मिलते हैं तो टोटल बोनस कितना हो जाएगा जी, 8,000 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 9 के नीचे 3 लिखा हुआ है, इस 3 को इग्नोर कर दें, ये क्लैरिकल एरर है, यहाँ पे भी 2 ही है, क्योंकि आपके पास 2 नए रिक्रूट है तो आप 1,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये दोनों लोग प्रोग्रेसिव मंथ के अंदर नए टाइटल्स को अचीव कर रहे हैं। मीन्स की अगर आपके पास 2 डायरेक्ट रिक्रूट आते हैं और वो अपने कंजेक्टिव मंथ के अंदर अपना नया टाइटल और ये स्पीड बोनस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो जैसे जैसे वो अपना बोनस अचीव कर रहे होंगे आपको 1,000 रुपया भी मिलता जाएगा। ठीक है जी, सो नाउ दिस इज एन अमेजिंग ऑप्शन जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं, और इसका आपको तब पता चलेगा जब आप इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ट्राई टू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और इसको आपने इस चीज पे फेथ रखना है और आपने बिलीव करना है कि दिस इज समथिंग कि जो कि एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन आप लोगों को इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसकी वजह यह है कि आप लोगों के लिए भी ये नई ऑप्शन है, जब आप इसको अवेल करना शुरू कर देंगे, अपने अपने प्लान को इस लिहाज से बनाएंगे, देन यू विल मैक्सिमम कैश और गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस ऑप्शन देन बोनसेस। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं आपके क्वेश्चंस की तरफ। आपको अगर स्पीड बोनस और एंटरप्रेन्योर बोनस के अंदर कोई भी क्यूरी है, कोई भी एम्बिग्युटी है, यू कैन आस्क राइट नाउ इन द मैसेज। मैं आपके सिर्फ मैसेजेस अब देख रहा हूँ, और मेरे पास ये मैसेजेस में कोई क्वेश्चन देखता हूँ, कल बहुत सारे क्वेश्चन थे, इतने ज्यादा थे कि मैं एड्रेस भी नहीं कर सका था सारे। ठीक है, आज की ट्रेनिंग की पीडीएफ मिल सकती है जी, आपको बिल्कुल ये पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन वेट फॉर सम टाइम, हम कुछ अपडेशन कर रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, न्यू टर्म्स एंड कंडीशन इन ऑफर्स के अपडेट हो चुके हैं, तो वी विल गिव यू अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस पीपीटी। ठीक है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, व्हाट इफ क्यूआर हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 3% इन जनवरी टू अवेल स्पीड बोनस इन फेब, फिर रिक्वायरमेंट 3% अगेन। अगर किसी शख्स ने, ये मेरे पास है जी मैम शहर का क्वेश्चन, कि अगर कोई आपके पास क्वालिफाइड रिक्रूट है जनवरी का और वो 3% कंप्लीट कर चुका है, तो वो इस ऑफर में शामिल नहीं होगा। ठीक है जी, वो इस ऑफर में शामिल नहीं होगा, वो स्पीड बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, वो एंटरप्रेन्योर बोनस के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बोनस के लिए सब लोग एलिजिबल हो सकते हैं। आप लोग अगर वो एंटरप्रेन्योर बोनस अपनी डाउनलाइन में किसी को इंडक्ट करते हैं, उनको स्पीड बोनस क्वालिफाई करवाते हैं, तो वो 1,000 रुपया पर उनके ग्रोथ लेवल के साथ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जनवरी के अंदर 3% क्लोज वाल करने वाले इसमें शामिल नहीं होंगे। सर इस तरह तो फर्स्ट मंथ में वो न्यू मेंबर 6-9 कर सकता होगा, वो करेगा, उनको ये मोटिवेट करें, उनको कैसे मोटिवेट करें जी, उनको क्यों ना मोटिवेट करें आप। ये देखें मैम दुबा, अगर कोई फर्स्ट मंथ के अंदर 6% कर लेता है तो उसको बोनस मिलेगा, 12 कर लेता है तो भी उनको 600 मिलेगा। आप लोगों ने ना अपने माइंड में एक चीज रखनी है, ठीक है, वो ये कि अगर तो आप मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते तो फिर आप स्पीड बोनस के ऊपर आपके नए लोग नहीं पैटर्न पे देंगे। अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट से आगे जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। उसकी वजह ये है मैं पूछा कि आने वाली ऑप्शंस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ अभी उस प्रोग्राम और उस बोनस के बारे में जो कि 15% टाइटल के लिए भी है। अगर वो 15% अपना टाइटल ओपन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, तो उनके लिए भी बोनस है, और वो इस बोनस से काफी ज्यादा है। तो अगर वो जल्दी ग्रो करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आप मेरा पॉइंट समझ रही है? क्यों? क्योंकि आपने अपना गोल अपने माइंड में रखना है। आपका क्या गोल, ये 600 रुपया हासिल करना है या ये 12,600 रुपया हासिल करना है? आई डोंट थिंक सो। आपका गोल है एक स्टेबल लाइफस्टाइल और अपनी स्टेबल इनकम को अचीव करना, वो आप अचीव कर सकते हैं गोल टाइटल के साथ। आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे बेनिफिट्स को, आपकी इनकम 50,000 प्लस हो जाएगी जब आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। हो सकता है आप 1,00,000 रुपए से ज्यादा, जब तक आप गोल टाइटल पे जा रहे हो, आपकी इनकम 1,00,000 को भी क्रॉस कर जाए, और नॉर्मली लोग कर जाते हैं इसको क्रॉस, लेकिन आपका टारगेट बड़ा विजिबल होना चाहिए आपको, और आपके नए लोगों का टारगेट भी आपको विजिबल होना चाहिए। जब आप अपने एंड गोल की तरफ जाते हैं ना, तो फिर आपको ये बेनिफिट्स रास्ते में जो पड़े हुए मिलेंगे, इट डजंट मैटर कि आप कौन से टाइटल पे जा रहे हैं, आप इनको अवेल भी कर जाएंगे, और साथ साथ आप अपने जो आपका फर्स्ट गोल है इन ओरिफ्लेम, दैट इज गोल डायरेक्टर, आप उसको भी हासिल कर सकेंगे। तो अपने लोगों को भी इन बेनिफिट्स के साथ साथ जो आपका असल विजन है उसके बारे में जरूर बताएं। ठीक है,
अच्छा जी, इसे हम कमीशन कहते हैं। हमारे पास जो टर्म यूज होता है दैट इज कमीशन। जो आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपका ऑफिशियल स्टेटस ब्रांड पार्टनर का है, यू आर नॉट एम्प्लॉयज, ये अपने माइंड में रखिएगा। तो आपका बिजनेस आई है अपना, आप उसके अंदर एक आपको सर्टेन परसेंटेज मिलती है, इमीडिएट प्रॉफिट हमारे सीधे मेंबर्स को मिल रहा होता है ना, तो ऑफिशियल स्टेटस आपका एम्प्लॉय का नहीं है, आप नौकरी नहीं कर रहे, आप ब्रांड पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो यू नीड टू एक्ट लाइक एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपका अपना बिजनेस है, यू नीड टू एक्ट लाइक दैट एज वेल। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ब्रॉडर व्यू से सोचते हैं, तो आपने इस चीज को देखने की कोशिश करनी है। प्लीज ब्रीफ स्पीड बोनस अगेन। ब्रीफ मैं आपको कर देता हूँ मैम हिना। बेसिकली आपके पास जितने नए ज्वाइनर्स आ रहे हैं फेब ऑनवर्ड, जब वो फर्स्ट टाइम अपना 3% टाइटल अचीव करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 6% अचीव करते हैं, फिर 9% अचीव करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ के अंदर 12% अचीव करते हैं, यानी कि 4 मंथ्स के अंदर अब आफ्टर ज्वाइनिंग वो प्रोग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं और हर मंथ की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, जो कि पहले महीने की 3% है, दूसरे महीने की 6 है, तीसरे महीने की 9% है, और चौथे महीने की 12% है। अगर वो इससे नीचे टाइटल पे आते हैं तो वो फिर इस ऑफर से बाहर हो जाएंगे, और अगर वो इससे ज्यादा पे आते हैं तो उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। उन्होंने हर मंथ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। जैसे थर्ड मंथ की मिनिमम रिक्वायरमेंट की आफ्टर ज्वाइनिंग दैट इज 9%, तो उनका मिनिमम टाइटल 9% होना चाहिए। ऊपर होता है तो अच्छी बात है, ताकि वो आगे वाले बेनिफिट्स को भी अवेल कर सकें, लेकिन अगर इसे नीचे होता है तो दे विल बी आउट ऑफ दिस ऑफर। ठीक है जी, और ये ऑफर हमारे पास चल रही है दिसंबर तक। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अच्छा जी, अभी आ गया जी, मेरे पास और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अब थोड़े से मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बड़े डेंजरस किस्म के जी, उनको भी देख लेते हैं। क्या है जी, जो न्यू मेंबर्स टाइटल अचीव करेंगे तो उनके टाइटल ग्रो करने से क्या हमारे भी टाइटल ग्रो? ऑफ कोर्स ग्रो होंगे मैम आयशा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओरिफ्लेम। ओरिफ्लेम में वो लोग जो के आगे बढ़ते हैं वो अकेले आगे नहीं बढ़ते, वो अपने पूरे ग्रुप को आगे बढ़ा रहे होते हैं, स्पेशली जो उनकी अपलाइंस होती हैं, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ योर नेटवर्क। इसी तरह वो अपने अपने नेटवर्क को भी डेवलप कर रहे होते हैं। इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट ही आपको ये है कि यू वर्क एज अ टीम, यू बिकम सक्सेसफुल एज अ टीम, तो वो ग्रो करेंगे साथ साथ आप भी ग्रो करेंगे। ठीक है, बट नेवर रिलाई ऑन 1%। अगर आप 1% को ला के उसे सिर्फ काम करवाएंगे तो ओरिफ्लेम में आपको उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि वी नीड पीपल जो के खुद भी सक्सेसफुल होते हैं, खुद भी काम करते हैं। ठीक है, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट को अपनी भी पूरा करना है। अगर आप नए हैं शायद आपको इसलिए इन चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन यू कैन कंसल्ट योर स्पॉन्सर, यू कैन कंसल्ट योर लीडर, यू कैन ऑल्सो कम इन माई डिफरेंट ट्रेनिंग्स, मैं आपको उसके अंदर गाइड कर सकता हूँ। अच्छा जी, अगर फैब के अंदर 3% है, 3% इन डाउनलाइन एज वेल, तो इसका मतलब है वो चली जाएंगी डिफॉल्ट के ऊपर, और डिफॉल्ट वाले किसी भी ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसी तरह जो मैं आपको भी मिसाल दे रहा था ना मैम आयशा, आपके पास अगर कोई आ जाता है, आप काम नहीं करते, वो ग्रो करता है और वो खाली ग्रो करता है और वो आपको डिफॉल्ट पे कर देता है, मींस कि आपने कोई काम नहीं किया, आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, तो आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं। जैसे अभी मैम साहर ने एक मेरे से क्वेश्चन किया है कि अगर फरवरी के अंदर एक शख्स 3% पे आता है, लेकिन वो 3% पे आता है अपनी डाउनलाइन की वजह से, और वो भी 3% पे होती है, तो आप चले जाते हैं डिफॉल्ट के ऊपर। जब आपकी डाउनलाइन में कोई 3% पे आ रहा है तो उसको 3% के बेनिफिट मिल रहे हैं, नाउ यू हैव टू गो ऑन 6% टू अवेल द बेनिफिट्स। आपने कमीशन भी तो अर्न करना है ना, और पीडी आपको मिलता है आपकी टीम के डिफरेंस का आपके टाइटल से। ठीक है, रिमेंबर आपका पर्सनल ऑर्डर पे परफॉर्मेंस डिस्काउंट खत्म हुआ है, आपका टीम वाला खत्म नहीं हुआ, और आपको जो असल कमीशन और आपकी अर्निंग हो रही होती है ना, वो आपकी टीम से हो रही होती है। ठीक है, तो आपका कमीशन आपने अर्न करना है, कमीशन इज देयर, रिमेंबर दैट। पीडी पर्सनल ऑर्डर पे खत्म हुई है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट पे आपकी जो पर्सनल ऑर्डर पे थी परफॉर्मेंस डिस्काउंट वो खत्म हुई है, वो आपकी जो सी है आपके टीम का जो आपका ग्रुप का है पीडी वो आपको मिलेगा। ठीक है, जो उसका डिफरेंस आपका टाइटल्स का वो मिलता है, और असल अर्निंग ही वो है जी। ठीक है, तो कीप वर्किंग ऑन रिक्रूटिंग न्यू पीपल, और अब तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स और एजेस भी हैं जी। कैटलॉग पर 20-40% डिस्काउंट होना चाहिए, क्योंकि लोगों इनकम वो ही ले पाते हैं 20%, उनको 20% दें और खुद भी 20% लें। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आपके पास बहुत सारे एडिशनल डिस्काउंट्स भी होते हैं कैटलॉग प्राइस पे, अगर कोई लेस से कोई चीज 20% डिस्काउंट पे, तो आपको वैसे 40 पे मिल रही होती है, तो यू गेट 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, सो दैट इज समथिंग अमेजिंग। तो इसके बाद हम आते हैं जी कुछ सर, ठीक है,
देखिए मेरी बात सुनिएगा, कुछ लोग जो आपसे अर्निंग डिमांड करते हैं उनको बताएं कि दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ बिजनेस। दुनिया में हमारे पास जितने सक्सेसफुल लोग हैं, इस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है जी, लोगों को पता चल गया इस चीज का कि बिजनेस आपको फ्रीडम ऑफ टाइम भी देता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी देता है, आप मर्जी के मालिक होते हैं और आप पैसा भी अपनी मर्जी के मुताबिक अर्न कर सकते हैं। इसके अंदर नौकरी की कोई ऑप्शन नहीं है जी, इसके अंदर बेसिकली ये बिजनेस है जिसमें आप ब्रांड पार्टनर होते हैं। इट शुड बी वेरी वेरी मच क्लियर, ठीक है? और इसकी लिमिट कोई नहीं है। लोग आपको पता है एक नौकरी आप करें ना, आपको साल बाद जाके आपकी तरक्की होती है, आपको थोड़ी सी इनकम मिल जाती है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप महीनों में वो चीजें अर्न कर सकते हैं और इतना ग्रोथ का चांस होता है जितना आपका सालों साल में नौकरी में नहीं होता। तो दिस इज अ मच बेटर ऑप्शन फॉर पीपल, ठीक है? अच्छा जी, अब हम जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारे पास बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं डाउनलाइन के साथ साथ, एक दो मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, और अगर किसी का इग्नोर हो जाए तो प्लीज इट्स नॉट ऑन पर्पस, याद रखिएगा। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। अच्छा जी, स्पीड बोनस वाला जी, अच्छा मतलब ये कि इस ईयर का स्पीड बोनस वाला है जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन मेरे पास बड़ा जबरदस्त आया हुआ है कि अगर मेरे पास 100 BP मैंने की और मेरी डाउनलाइन के अंदर भी 100 BP कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आपका टाइटल क्या हो जाएगा, 3%, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, और आपकी जो डाउनलाइन है वो कितने परसेंट पे है, वो 0% पे है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल, अगर आप फैब के रिक्रूट हैं, आप बिल्कुल स्पीड बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? अमेजिंग क्वेश्चन। उसके बाद मैं देखता हूँ जी, जिन लोगों के जनवरी के अंदर हुए हैं, पहले वेलकम प्रोग्राम शॉपिंग किया हुआ था, जिनको मिलेगा भी वेलकम प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं, आपको आंसर दे देता हूँ जी, बिल्कुल मिलेगा उनको, जो कि पुराने वाले ऑलरेडी इनरोल्ड है उनको मिलेगा जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच मैम मजना, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त प्लान लेके आए जी, ऑफकोर्स इट्स अ वंडरफुल प्लान माय ओरिजिनल जी, इट इज एन अमेजिंग प्लान। प्लीज डू समथिंग रिगार्डिंग इशू पेमेंट, फिर पेमेंट के लिहाज से अभी हमारे पास नई ऑप्शन आ गई हैं जी, आपके पास इजी पैसा की, डिजिटल गुरु की, बेताश ऑप्शन है, उसके बारे में आपको डिजिटली मिलते भी जाएंगे जी। मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है जी, इफ अ मेंबर जस्ट अचीव 3% ओल्ड मेंबर, देन विल दे रिसीव एनी पीडी जी? पीडी की ऑप्शन हमने खत्म कर दी है, ओल्ड मेंबर और न्यू मेंबर जो पर्सनल पीडी है, पर्सनल ऑर्डर के ऊपर, वो खत्म हो गया है। बाकी कमीशन आपका वैसे ही चल रहा है, जो आपका डिफरेंस आपको आपकी अर्निंग जो होती है ना, एक्चुअली वो आपकी टीम से हो रही होती है, आपके जितना नेटवर्क होता है, जितने का ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, आपके टाइटल का उनके टाइटल का आपको डिफरेंस मिल रहा होता है, तो वो दैट इज देयर, इट इज जस्ट ऑन योर पर्सनल ऑर्डर जो खत्म हुआ है परफॉर्मेंस का जी। जी पीडी है सर, पीडी नहीं रहा सो पर्सनल बीपीज, अगर हम 9% या 6% पे आते हैं तो क्या कमीशन मिलेगा? देखें रिमेंबर, अच्छा जरा गौर से सुनिएगा, आपके कमीशन के ऊपर अगर आप 6 और 9% पे होते हैं ना, ठीक है, तो आपको जो टोटल डिफरेंस आता है वो 200 से 300 रुपए का आएगा। ऑन द अदर हैंड आपको हजार हजार क्या जितने मर्जी रिक्रूट करें, आपको उनके बढ़ते हुए टाइटल के साथ 1-1 हजार रुपया मिल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट, कि आपका आपको जो एक पर्सनल ऑर्डर इतनी कम अमाउंट होती थी, जो आप 6 और 9% वाली के लिए परेशान हो रहे हैं, कि वो तो अमाउंट पता ही नहीं होती थी कि आपके आपकी कमीशन में कितनी है, दैट वॉज वेरी वेरी माइनर, ठीक है? उसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था, हमने सिर्फ आपको बताया पर्सनल पीटी का, तो लोग उसको कंफ्यूज कर गए कमीशन के साथ। कमीशन इज देयर, रिमेंबर कमीशन इज देयर, कमीशन मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितने फर्स्ट टाइम में लोग हैं, उसको हम सेपरेटली करेंगे और मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है? कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग, स्टेप टू की ट्रेनिंग्स भी आएंगे, उसके अंदर आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको कमीशन कैलकुलेट करना सिखा देंगे, ठीक है? पीटी परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो टीम का था ना, वो आपका वहीं पे है, डोंट वरी, वो था असल आपका डिस्काउंट। इजी पैसा जी, बिल्कुल, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। 1000 में से कोई टैक्स डिडक्ट भी होगा जी? देखिए गवर्नमेंट का टैक्स है, आपकी हर अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स जो आपको मिलती है वो डिडक्ट होता है। आपका प्लस पॉइंट यही है, आपकी कंपनी का प्लस पॉइंट यही है कि एक एथिकल कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाली कंपनी है। तो ये जो चीजें हैं ना आपकी, ये हम आप यू शुड बी प्राउड कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है? तो यू आर एक्चुअली पेइंग प्राउड पेइंग टैक्स, और उसका आपको टैक्स सर्टिफिकेट भी मिलता है, यू कैन क्लेम दैट इन फ्यूचर, ठीक है जी? अब हम चलते हैं जी, मेरे पास हैंड रेज मत कीजिएगा, क्योंकि हैंड रेज आप करते हैं तो हैंड रेज गलती से भी हो सकता है। यू कैन जस्ट टाइप योर क्वेश्चन स्ट्रेट, यू कैन आस्क क्वेश्चन अगर आपका कोई होता। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर की तरफ, इग्नाइट सक्सेस जी, मैनेजर ग्रोथ प्रोग्राम। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं हमारे 15% नए मैनेजर्स की, 18% नए मैनेजर्स एंड 20% नए मैनेजर्स जी। नाउ दिस इज एन अमेजिंग ऑप्शन। आप कह रहे थे ना कि अगर कोई बंदा डायरेक्ट 12 पे चला जाता है तो उसको क्या बेनिफिट मिल जाएगा,
तो आपने हर हर ऑफर के क्राइटेरिया को अपने माइंड में रख के उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, ठीक है, स्पीड बोनस की भी। और अगर आप स्पीड बोनस से क्वालिफाई करके डायरेक्टली आप लेस से 15% मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आपके पास ऐसी कोई आपके पास आप आपके पास टीम होती है, आप प्लानिंग के साथ काम स्टार्ट करते हैं, आप प्रॉपरली एक चैनल के थ्रू अपना नेटवर्क डेवलप करते हैं, चीजें सीखते हैं, आगे सिखाते हैं और स्पीडी वे में करते हैं, तो क्या होगा जी, आपका टाइटल, आपके ग्रुप डीपी ज्यादा होंगे तो आपका टाइटल इंक्रीज करेगा। और अगर आप 15% पे आके उसको 3 मंथ्स मेंटेन कर लेते हैं आउट ऑफ 5 मंथ्स, तो अपार्ट फ्रॉम अदर इनकम आपको 10,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, आपका आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट वहीं पे है, पर्सनल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, आपका जो टीम का डिस्काउंट कमीशन है वो वहीं पे है, आपके बाकी सारे बेनिफिट्स वहीं पे हैं, आप ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा बोनस भी मिल गया। आप अगर 18 पे आ जाते हैं फिर और उसको 3 मंथ्स आउट ऑफ 5 मंथ्स मेंटेन कर लेते हैं तो आपको 15,000 मिलेगा। और इसी तरह अगर आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, आपका डायरेक्टर कैश अवार्ड वहीं पे है, उसके बारे में भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आपको 3 out of 5 months 25,000 रुपया मिल रहा है। और ये 25,000 नहीं, असल में आपको ज्यादा मिलेगा। वो ज्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको एक और ऑप्शन है जिसको आप साथ साथ क्वालिफाई कर देंगे डबल स्पीड को, उसकी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्लान को भी समझना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्लान के अंदर भी हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव होने की। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि आप आगे की तरफ जाएं स्टेप बाय स्टेप और अपनी परफॉर्मेंस को आप मेंटेन करके जाएं और प्लानिंग के साथ आगे जाएं। सो दिस इज समथिंग जो कि आपने अपने नेटवर्क के अंदर भी इंकरेज करनी है, ऐसा ना हो कि आप एकदम 12% पे आ उसके बाद दोबारा 0 पे आ जाए, तो दैट इज नॉट बिजनेस ना। आप प्लान करते हैं, अच्छे तरीके से आगे जाते हैं और आप अपने माइंड के अंदर एक फोकस रखते हैं। आप सबका फोकस इस टाइम होना चाहिए कि आप गोल डायरेक्टर बने। यहाँ पे जितने लोग हैं गोल्ड नहीं है, दे शुड हैव दिस गोल इन देयर माइंड कि इस साल के एंड के ऊपर आपने अपना गोल टाइटल क्लोज कर, और इंशाल्लाह आप कोशिश करके देखें हो भी जाएगा विद ऑल दिस फैंटास्टिक ऑफर्स। ये सारे पर्क्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको रास्ते में पड़े हुए मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम। ने आज तक कभी आई कैन क्लेम दैट आई एम नॉट द ऑनर, आई एम नॉट समबडी जिसके पास इतनी विजिबिलिटी है, मेरे साथ आप लोगों का इंटरेक्शन होता है, आज तक मुझे कभी किसी लीडर ने ये कंप्लेन नहीं की कि मेरे पैसे ओरिफ्लेम ने नहीं दिए। तो ट्रस्ट ओरिफ्लेम ऑन दिस, आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। आपने अपना मेन ऑब्जेक्टिव जो कि गोल डायरेक्टर का है वो आपको आपने रखना है माइंड के अंदर और उसको टारगेट करना है, ये सारे आपको रास्ते में मिलेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आप क्वालिफाई कर चाहिए। थोड़ा सा और इसको देखते हैं मैनेजर बोनस को, इसमें क्या ऑप्शन है, जरा गौर से देखिएगा। ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है इस, ये लेस से हम बात कर रहे हैं फेब ज्वाइनिंग की, ये फेब से लेके सितंबर तक की ऑफर है, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया जो पीरियड है दैट इज फेब टू सितंबर 2021, ठीक है। मीन्स के पुराने मैनेजर्स, पुराने जो टाइटल्स ओपन हो चुके हैं उसके बारे में हम ना क्वेश्चन करें क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जो नया टाइटल आ रहा है आपके पास, अगर वो 15, 18, 21 है तो इस ऑप्शन में शामिल हो जाएगा। अब जरा गौर से इस चार्ट को देखिएगा, एक शख्स फैब के अंदर ज्वाइन करता है या वो ज्वाइनिंग पहले की है, पहले की ज्वाइनिंग है, वो 12% पे था आज तक, 9% पे था, 3% पे था, 6 पे था या 0 पे था, और इंतजार कर रहा था कि मैनेजर ग्रोथ प्रोग्राम आया तो मैं ग्रो करूंगा अपनी टीम का काम दोबारा से स्टार्ट करूंगा, या एनीबॉडी जिसने आज तक कभी 15% टाइटल अचीव नहीं किया, वो फेब के अंदर 15% टाइटल क्लोज कर लेता है, मार्च के अंदर 18 और अप्रैल के अंदर 18, फर्स्ट 3 out of 5 months का जो रिक्वायरमेंट है वो है 15%, लिहाजा उनको 18% उनको 15% वाला बोनस मिलेगा जो कि 10,000। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट थ्री मंथ्स उन्होंने क्या मेंटेन करना है, 18%, ठीक है। अब देखिएगा जरा गौर से एक चीज देखिएगा, यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहां पे एक स्टेटमेंट मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिखी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड के हुआ क्या है। पहले 3 out of 5 months के अंदर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 15%, आप 21 में भी आ जाते हैं तो भी आपको 15% ही मिलेगा, 15% का बोनस मिलेगा। अब नेक्स्ट 3 months की रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज 18%, और नेक्स्ट 3 months कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, आफ्टर फर्स्ट 3 months जब आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको चौथे महीने में मिलेगा 10,000 का बोनस,
आपका नेक्स्ट 5 मंथ्स का क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा, मींस कि अब आपने क्या करना है, मिनिमम 18 मेंटेन करना है 3 मंथ्स आउट ऑफ 5 मंथ्स, और वो आप मेंटेन करते हैं मई में 18%, जून में 18% की जगह पे 21%। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी 18 की, लेकिन आपने बेहतर कर लिया, इट इज फाइन, इट इज वंडरफुल, लेकिन आपने करना क्या था 18, सो दैट इज गुड, आपको 21% के बेनिफिट तो मिल गए, वो भी आपको पता चलेगा और क्या बेनिफिट्स हैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके पास आ गया जुलाई, उसके अंदर भी आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली 18%। अब मई से लेके जुलाई तक आपने अपनी 18% की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे 15,000 के कैश अवार्ड को, बोनस को, और वो आपको मिलेगा अगस्त में। ऑल तो आपने जुलाई में क्वालिफाई किया और बेशक ये जुलाई के नीचे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये मिलेगा कब आपको, अगस्त में। क्वालिफाई आप कर चुके हैं लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ में वो मिलता है। सेम गोज फॉर 21%, अगर आपके पास आप फर्स्ट टाइम टाइटल अपना 21% अचीव करते हैं सितंबर में, तो भी आपको आने वाले 5 महीने मिल जाएंगे टू मेंटेन 3 मंथ्स, ठीक हो गया। ऑल दो ये सितंबर में खत्म हो रहा है, लेकिन आपने सितंबर में अपना एक नया टाइटल 21% का ओपन कर लिया, स्टिल यू विल बी एलिजिबल। वो 15% कर लिया है, वो आपने 18% फर्स्ट टाइम अचीव किया सितंबर 2021 के अंदर, आप इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब वंस अगेन आप अपने माइंड में ये चीज रखिएगा कि इसके अंदर जंप ऑफ टाइटल्स नहीं है, ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ की बात की हमने, इसके अंदर जंप ऑफ टाइटल नहीं है। इट इज नॉट मीन कि आप 21% अचीव ना करें, क्यों, क्योंकि आप 21% अचीव करेंगे, ऑल्दो आपको मिलेगा फर्स्ट 3 मंथ्स में 10,000 ही, लेकिन आपको उसके साथ साथ एक और ऑप्शन भी मिल जाएगी, वो हम आगे चल के देखते हैं वो क्या ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट यू टू आस्क क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कोई क्यूरी है इसके बारे में, क्योंकि आपके क्वेश्चन से बाकी लोगों के क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाते हैं, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क राइट नाउ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बड़े इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, जरा देखिएगा, एक और इलस्ट्रेशन देख लें आप, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही है। एक मैनेजर थे हमारे पास 12%, वो फेब का मंथ स्टार्ट हुआ, उन्होंने प्लान बनाया, अच्छी सी प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद उन्होंने फेब के अंदर ही 21% यानी कि सीनियर मैनेजर टाइटल अचीव कर लिया। उसको मेंटेन किया उन्होंने 3 महीने, मई के अंदर जो कि चौथा महीना है, उनको मिलेगा कैश अवार्ड 10,000 का, क्यों, क्योंकि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 15, उनको बोनस मिल रहा है 10,000 का, ठीक हो गया जी। इसके साथ साथ इनको वैसे और मिल जाएगा, इनको टाइटल भी मिल जाएगा, इनका सिस्टम में शो होना शुरू हो जाएगा, डायरेक्टर टाइटल भी, और इनको इनका कैश अवार्ड उसका भी मिल जाएगा हाफ, वो आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल इनको इस बोनस के अंदर से, इस प्लान के अंदर जो ग्रोथ प्लान है, उसका 10,000 मिलेगा। फिर उन्होंने उनकी नेक्स्ट मंथ की 3 रिक्वायरमेंट क्या है, वो है जी 18%, पहले 15 था फिर अब 18 है, आउट ऑफ 5 इन्होंने मेंटेन करना है। तो अगर इन्होंने लेस से 21 की जगह ड्रॉप हो गए 18 को मेंटेन कर लिया, स्टिल चूंकि इन्होंने रिक्वायरमेंट को पूरा किया, तो इनको फोर्थ मंथ में जाके, जो कि अगस्त का फोर्थ मंथ है, इनको क्या मिलेगा जी, इनको 15,000 रुपए का बोनस मिल जाएगा, तो 18 पे था। अब उसके बाद आ जाता है 21% टाइटल, ऑल दो इन्होंने 21% टाइटल अचीव कर लिया है, लेकिन जो मैनेजर ग्रोथ बोनस प्रोग्राम है, इसके अंदर जो तीसरी रिक्वायरमेंट है टाइटल की, दैट इज 21%, जो कि इनका प्रोग्रेसिव ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है अगस्त ऑनवर्ड। तो अगस्त के अंदर अगर इन्होंने 21% नहीं किया, 18 कर लिया या 15 कर लिया, दिस पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर 25,000 रुपीज कैश अवार्ड, ठीक है। अगर ये सारे के सारे 21% मेंटेन कर लिए थे, तो भी इन्होंने क्वालिफाई कर जाना था सारे के सारे, और प्लस और बहुत ज्यादा बेनिफिट, ठीक है। अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं जी, इसका ऑफर पीरियड है फेब से लेके 30 सितंबर तक का, आपके पास अगर डायरेक्ट 21% आते हैं, मल्टीपल टाइटल्स आ जाते हैं, तो आपको उसके अंदर मल्टीपल बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, ये अपने माइंड में रखिएगा। और वंस अगेन डिफॉल्ट्स विल नॉट बी एलिजिबल इन दिस। नाउ जी मैं आ रहा हूँ जी क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा जी, टैक्स वाले के बाद के क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, ब्रीफ क्वेश्चन करने की कोशिश करें और अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए, अगर आपको जो उनसे क्लियर भी हो गया जी। अब हम देखते हैं जी, हमारे पास एक है जी, सर जो लोग इस मंथ 12% करेंगे उनको क्या मिलेगा, ओल्ड मेंबर्स होंगे। देखें, इस मंथ के अंदर अगर कोई 12% अचीव करते हैं,
तो इसके ऊपर उनको डायरेक्ट के ऊपर 12% के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है बेसिकली हमारे पास जितनी भी ऑप्शन है। 12% अगर वो अचीव करते हैं तो उनको इनकम ज्यादा मिल रही है और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताने के लिए जा रहा हूँ उनको क्या मिलेगा, देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। लेकिन अगर आप कहते हैं 12% के लिए हमारे पास ग्रोथ प्रोग्राम के अंदर बोनस की ऑप्शन है तो वो डायरेक्ट नहीं है, वो 15% से स्टार्ट हो रहा है। 12% हमारे पास स्पीड बोनस की ऑप्शन है वहां पे, अगर वो प्रोग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं और 3% से स्टार्ट किया उन्होंने, और एंटरप्रेन्योर की ऑप्शन इनके पास मौजूद है, उसको भी ये क्वालिफाई कर सकते हैं, नए लोगों को रिक्रूट करके उनको क्वालिफाई करवा के स्पीड बोनस, तो ये एंटरप्रेन्योर बोनस को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 12% के लिए नहीं है। इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है जी, सर आई ज्वाइन इन नवंबर एंड अचीव 3% लेवल एंड इन दिसंबर आल्सो 3%, लेकिन अब जनवरी ओनली 103 बीपी हुए, तो क्या 3% लेवल खत्म होगा? देखिए, जो आपका टाइटल होता है और आपका लेवल होता है वो हर मंथ का डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। जिस तरह हर दिन की आपकी कोई भी बिजनेस होता है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एक दिन की मुख्तलिफ सेल हो सकती है, अगले दिन की मुख्तलिफ हो सकती है, एक दिन आपका ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, एक दिन कम हो सकता है, एक दिन ज्यादा एक दिन कम करके फिर मंथली आपकी इनकम डिसाइड होती है। इसी तरह आपका जो भी टाइटल होता है वो आपके बीपीस पे होता है करंट मंथ के ऊपर। यू ऑलरेडी हैव अचीव 3%, लेकिन जिस मंथ के अंदर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते उस दिन आपका, उस मंथ आपका टाइटल उसके लिहाज से डिसाइड होता है, ठीक है। सो नो टाइटल इज अ परमानेंट टाइटल, लाइक नो इनकम इज अ फिक्स्ड इनकम, हियर कोई लिमिट नहीं, आप जितना आगे जाना चाहें जा सकते हैं, आप नहीं करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। सर प्लान करके अगर हम 15, 12, 18% लेवल के बाद हम दोबारा जीरो पर आए तो कस्टमर की वजह से आएंगे, बिकॉज कस्टमर नहीं लेगा तो हम जीरो पर आ जाएंगे जी। देखिए मैम सबा, आपका ये जो क्वेश्चन है ना कि अगर हम सारा मेंटेन करने के बाद अगर कस्टमर कोई नई चीज लेगा तो आप जीरो पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी तक मैंने मुझे 3 साल हो गया ओरिफ्लेम में, अल्हम्दुलिल्लाह वंडरफुल इयर्स, आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम मेनी लीडर्स। मैंने आज तक अभी तक कोई ऐसा बंदा ना सुना है ना देखा है। सिर्फ आपका बिजनेस तब रुकता है जब आप रुकते हैं, आप अगर कोशिश करते हैं तो हमेशा ग्रोथ आती है। ऐसा देखिए, आप अपने माइंड में एक चीज रखिएगा जो बेसिक है, वो ये है कि ओरिफ्लेम, आई एम नॉट सेइंग इट, बेसिकली यू कैन चेक इट, ओरिफ्लेम इज वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी कंपनी इन द वर्ल्ड, यूरोप की सोशल सेलिंग की नंबर वन कंपनी है इस टाइम। हमारी प्रोडक्ट्स जो उनसी हैं वो एक्चुअली अपने यूनिट्स में बनाई जाती हैं, हमें इनकी कॉस्ट इसलिए कम भी आती है, हम इसके अंदर क्वालिटी हाई लेवल की रखते हैं। आपको इस चीज के ऊपर फेथ होना चाहिए, और ये यू कैन वेरीफाई फर्स्ट, डोंट हैव द फेथ बट हैव कॉन्फिडेंस आफ्टर वेरीफाइंग दीज डिटेल्स। ओरिफ्लेम यूरोप की नंबर वन सोशल सेलिंग कंपनी है, और यूरोप के जो रूल्स है ना प्रोडक्शन के, और जो वहां पे चीज खास तौर पे जो इंसान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट रूल्स में आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चेक है यूरोप में। आप यूके की बात कर लेते हैं वो भी उसके अंदर आ जाता है, आप टर्की की बात कर लेते हैं, यूरोप के बाकी कंट्रीज उसके अंदर आ जाते हैं, स्ट्रिक्टेस्ट है रूल्स वहां पे, हम उनको अढेर नहीं कर रहे, हम उनके अंदर एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज फैक्ट। 1300 इंग्रेडिएंट ऐसे थे जो कि यूरोप के अंदर बैन थे कॉस्मेटिक में यूज होने वाले, ओरिफ्लेम ने 60 इंग्रेडिएंट्स और उसके अंदर ऐड करवा दिए हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम की अपने रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है। आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिलती है, मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको अच्छी बात सुनने को मिलेगी, आपको बुरी बात मिलने सुनने को मिलेगी, और आजकल तो आपको वो सुनने को मिल जाता है जो आपका दिल चाह रहा होता है, ठीक है। आप जो चीज सर्च करते हैं आपको यस में मिल जाती है, आप इस तरह के सोशल मीडिया का एक ड्रॉबैक भी आप समझ लें। सो व्हाट यू कैन डू इज, आपको ऑथेंटिक सोर्सेज का पता होना चाहिए जहां से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं चीजें, और आपको पता चल जाएगा जब आप सर्च कर रहे होंगे ना, तो अगर तो वो किसी शख्स ने कोई बात की हुई है, किसी बंदे ने कोई बात की हुई है, किसी कंपनी ने, कंपेटिटर ने बात की हुई है, तो दैट इज समथिंग एल्स। फीडबैक किसी का कुछ भी हो सकता है, हर शख्स जो उनसे है वो बेसिकली आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जब आप ओरिफ्लेम की बात करेंगे, उसकी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तो मेजोरिटी का आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, स्पेशली वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, जिनको इन डेप्थ नॉलेज है चीजों का, ठीक है, दे विल बी गिविंग अ वेरी गुड फीडबैक इंशाल्लाह ताला। तो आपके पास कभी वो टाइम नहीं आने लगा, ये मैं आपको बता देता हूँ आज, अगर आप कोशिश कर रहे हो और आपकी सेल ना हो, इट वॉन्ट हैपन, ट्रस्ट मी। आप ये तो चले ओरिफ्लेम, आप दुनिया का भी कोई काम अगर कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, याद रखिएगा
एफर्ट्स का सिला आपको खुदा की जात देती है, तो आप एफर्ट्स करेंगे आपको सिला मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज नॉट इवन पॉसिबल कि आप मेहनत करें आपको सिला ना मिले। अच्छा जी, इसके बाद आगे जी मेरे पास ऑलरेडी रिपीट हो गया है जी सर, अगर किसी पर्सनल बीपीएस हो, ग्रुप पुशिंग ना हो, तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा? इसके दोबारा क्वेश्चन आपका ब्रदर ने, सर अगर किसी पर्सनल बीपीएस हो, ग्रुप पुशिंग ना हो, तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? देखिएगा, आपका जो पर्सनल ऑर्डर के ऊपर प्रॉफिट आपको मिलता है, इमीडिएट प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा, जो 20% आपका इमीडिएट प्रॉफिट आपको मिल रहा है, अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अगर आप कमीशन की बात कर रहे हैं, तो कमीशन जो एक्चुअली मिल रहा होता है ना, वो तो मिलता है आपको आपकी टीम से, आपकी टीम से आपको मिलता है, ठीक है? तो आपको जो आपकी टीम से कमीशन मिल रहा है वो मिलेगा, ठीक हो गया? आपकी असल इनकम ही वो है। हमारे पास, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर हमारे पास कोई लीडर, एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर कोई लीडर 1,00,000 रुपए की इनकम अर्न कर रहा है ना, तो उसका ऑलमोस्ट सिर्फ 1% होता है 1,00,000 रुपए की इनकम का, मतलब है 21% टाइटल, तो उसका सिर्फ आपको डिस्काउंट वो भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिल रहा होता है 21%। आप समझ रहे हैं वो कितने की डिस्काउंट होगी? अगर लेस से आपके 100 BP की डिस्काउंट है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट अमाउंट क्या बनती है। चले मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताता हूँ कि आपका पीडी कितना बनता है, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताता हूँ। अगर आप 21% टाइटल के ऊपर है, आपका 100 BP का ऑर्डर है, तो आपको क्या मिलेगा इसका, ताकि आपको एक दफा क्लैरिटी मिल जाए ना इसके ऊपर कि कितना डिफरेंस आ गया है। आप जो ऐसे पीडी की वजह से परेशान हो रहे हैं, पर्सनल ऑर्डर का पीडी है खाली वो जी, टोटल 1,323 रुपए बनते हैं ये, और ये मैं आपको 63 BP के मुताबिक कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, यानी कि पुराने मंथ्स की बात नहीं कर रहा, हायर एंड की बात करके बता रहा हूँ आपको। सो दिस इज व्हाट यू गेट एक्चुअली, ठीक है? तो आपका 1,00,000 के अंदर से ये अमाउंट है जो कि आपकी खत्म हुई है, और 1,000 रुपए ऐड हो गए हैं, ठीक है? तो फोकस ऑन द पार्ट जो आपको अभी मिला है। आई थिंक विद दीज ऑप्शंस यू कैन चेंज योर लाइफ। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन यहाँ तक एड्रेस्ड है मेरे पास, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन जो कि रिपीटेड थे जिनको मैंने छोड़ा जी। अच्छा, एक ही मैं लास्ट क्वेश्चन जो सा भी कर लेते हैं, इन्होंने शायद दोबारा लिखा, बहुत लंबे क्वेश्चंस ना लिखा करें, ब्रीफ क्वेश्चंस करें, क्योंकि मेरे पास हंड्रेड्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए फिल्टर आउट करना, लाइव सेशन कर रहा हूं मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा लेवल 18% होता है, तो अभी और मैं 2 मंथ्स बाद 21 पे कर लेती हूं, तो क्या सिस्टम होगा? काइंडली मुझे इसका क्लियर कर दें जी, क्या मतलब मेरा कौन सा कैसे ऑर्डर आएगा? चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ। पता, आप ये क्वेश्चन अगर मेरे से एंड पे करती हैं, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बता देता। सबसे पहले, अगर आपका लेवल इस मंथ के अंदर 18 होता है, तो आप 18% का कैश अवार्ड जो कि 15,000 रुपया 3 मंथ मेंटेन करके उसको हासिल कर सकती है। आप 21% अगर मेंटेन कर लेती हैं और उसको 3 मंथ मेंटेन कर लेती हैं, तो आपको पहले 6 महीने के अंदर आपको आपका 18% का 15 भी मिल जाएगा, और 25,000 रुपये आपको मिल जाएगा 21% का भी। साथ साथ अगर आप 21% स्टार्टिंग में कर लेते हैं ना, 3 मंथ मेंटेन कर लेते हैं आउट ऑफ 6 मंथ, तो आप एक और ऑफर के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसके अंदर आपको आपका डायरेक्टर कैश अवार्ड भी 50% मिल रहा है, वो आगे चल के हम डिटेल्स देखेंगे। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, ट्रस्ट मी, आपका सिस्टम, ग्रोथ प्लान और हर एक चीज इस टाइम इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि दिस इज वेरी हाई टाइम कि आप इसको सीरियसली लेके एक दफा मेहनत कर ले, ठीक है? तो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स यू विल बी गेटिंग, मैंने आपको बताया, समझे इन चीजों को, क्योंकि आपने आगे लोगों को समझाना है, लेकिन अपना टारगेट, अपना फोकस गोल्ड पे रखे फिलहाल। आपने एंजॉय करना है ना, लाइफ को बेहतर करना है, स्टेबल करना है, अपने बच्चों के लिए बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, आपने इस टाइम फोकस ऑन द गोल डायरेक्टर, ठीक है? ये सारे बेनिफिट्स को जरूर समझें, जरूर सीखें, लेकिन फोकस अपना वहां पर रखिएगा। अच्छा जी, आगे चल के देखते हैं जी, हमारे पास डबल स्पीड बोनस है, और ये वो बोनस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन के अंदर, जो मैं आपको बता रहा था कि आपका बेसिकली टाइटल भी जल्दी मिलता है और आपको कैश अवार्ड भी मिल जाता है। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास वो ऑप्शन है जो कि आज से पहले कभी भी नहीं थी। नाउ अगर आप 3 out of 6 months अपना सीनियर मैनेजर टाइटल अचीव कर लेते हैं और मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 6 months, तो आपको 55,000 रुपया मिल रहा है। ये ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 2021 के लिए है, दिसंबर तक के लिए ऑप्शन है। आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर क्या मिल रहा है जी, 55,000, यानी कि 10% एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। वैसे 1,00,000 रुपए का कैश प्राइस होता है, लेकिन अब आपको क्या मिल रहा है,
55,000, 10% एक्स्ट्रा, फिर आप 3 out of 6 month 21 मेंटेन कर लेते हैं, तो आपको 55,000 मजीद मिल रहा है, यानी कि टोटल 1,10,000 पे अर्न कर रहे हैं, प्लस आपको टाइटल भी सिस्टम में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा अगर आप 3 months खाली 21% मेंटेन करते हैं आउट ऑफ 6 months. एंड रिमेम्बर, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ऑल आर सीनियर मैनेजर्स, 0% अबव सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल है. आपका टाइटल ये पहले कभी अचीव नहीं हुआ, यू कैन अचीव इट राइट नाउ. ठीक है, यही सेम गोज फॉर गोल्ड डायरेक्टर. गोल्ड डायरेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर आपको पहले 3 महीने, आप 2 लाइनें ओपन कर लेते हैं, 3 मंथ मेंटेन करते हैं आउट ऑफ 6 मंथ्स, तो 1,05,000 है, उसके बाद दोबारा 1,05,000 है, यानी कि आपको टोटल जो अमाउंट मिल रही है इसके अंदर वो कितनी मिल रही है जी, यू कैन कैलकुलेट दैट. ठीक है जी, सो दैट इज समथिंग की जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मिल रही है और आप इसको ग्रो कर सकते हैं मजीद अच्छे तरीके से. ये देखिएगा जी आगे चल के अब हम, अच्छा इसके क्वेश्चन जाएंगे तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, फिर मैं वेलकम प्रोग्राम की तरफ जाता हूँ. देखिए जी, मेरे पास एक क्वेश्चन आया जी कि आई एम न्यू, और उनका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी महीने काम नहीं करती या मैं किसी महीने अपना टारगेट नहीं पूरा करती तो मुझे क्या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. मैं आप सबके लिए इसका आंसर दे देता हूँ, ऑल्दो ये थोड़ा सा हटके है इससे, लेकिन जस्ट टू क्लेरिफाई, ओरिफ्लेम में ये किसी भी दुनिया के बिजनेस के अंदर आप जब मेहनत करते हैं तो फिर आपको उसका सिला मिलता है. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक दुकान है, आपके पास एक बिजनेस है, मैं एग्जांपल आसान आपको दुकान की या शॉप की इसलिए दे रहा हूं ताकि वो आपको कनेक्ट कर सके. आपके पास एक बिजनेस है, आप वो बिजनेस एक दिन ओपन करते हैं और आपको 1,00,000 रुपए की आपकी सेलिंग हो जाती है, उसमें से आपको 15% 20% प्रॉफिट हो जाता है, आप वो 15-20 हज़ार रुपया 1,00,000 रुपए के बिजनेस से आपकी अर्निंग हो जाती है. अगले दिन आप दुकान बंद कर देते हैं, आपको अगले दिन 15,000 रुपया मिलेगा या अगले दिन क्या आपकी सेल हो पाएगी? जिस तरह किसी भी बिजनेस को अगर आप नहीं करेंगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा. और ये फ्लेम का ना हलाल बिजनेस है, प्रॉपर सिस्टमेटिक सिस्टम है, इसके अंदर कोई लॉटरियां नहीं लगनी किसी की कि लो जी आपने 15% टाइटल अचीव कर लिया है तो आपको जो आप सारी जिंदगी 15% मिलता जाएगा. Very ethical company. That's why this company is the strongest that I have ever seen. क्योंकि ethical company है ये, ठीक है? और आप जब मेहनत करते हैं तब आपको मिलता है. ऐसा ही होना चाहिए ना, जब इंसान मेहनत करे तो मिलना चाहिए, मुफ्त का तो मजा ही नहीं आता. ठीक है, मेहनत किए बगैर किसको मजा आता है इनकम का? You won't be able to enjoy अगर आपको मुफ्त की कोई चीज मिले. शुरू में चाम होता है लेकिन आपकी जो इनकम होती है उसका तभी मजा आता है जब आप मेहनत करते हैं. तो आपको हर महीने मेहनत करेंगे, जितना आपका बिजनेस होगा उस लिहाज से आपको कमीशन और उसका सेलना मिलता है और आपका टाइटल भी उस लिहाज से डिसाइड होता है. ठीक है, अच्छा जी ये बता दीजिएगा, अभी मेरे पास रेलेवेंट क्वेश्चन आया था. देखते हैं इसमें 55,000 रुपये ट्रेनिंग पे होगा. देखें जो 55,000 रुपये है वो अलग होगा जी, वो तो आपका डायरेक्टर कैश अवार्ड है. 15% का अगर आपको फर्स्ट टाइम अचीव करते हैं तो 15% के ऊपर क्या है आपको पता होना चाहिए, 10,000. 18 पे क्या है, 18 के ऊपर आपको मिल रहा है 15,000 3 out of 5 months मेंटेन करने पे, और 3 out of 6 months मेंटेन करने पे आपको डायरेक्टर कैश अवार्ड जो कि 1,00,000 रुपए है उसके अंदर 10% ऐड करके आपको दो हाफ में डिवाइड करके हम डबल स्पीड में दे रहे हैं. आप समझ रहे, पहले टाइटल पहले 1,00,000 रुपए का कैश अवार्ड कब मिलता था, 7th month में जाके आपको मिलता था, जब आप मेंटेन कर रहे होते तो उसके बाद जाके आपको मिलता था ये. अब क्या हो रहा है जी, अब आपको आफ्टर 3 months आपको मिल रहा है ये वाला, अगर आप मेंटेन करते हो तो. दिस इज समथिंग अमेजिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डबल हो रही है स्पीड, ग्रोथ की भी आपकी तरफ बढ़ने वाले बेनिफिट्स भी डबल स्पीड पे हो रहे हैं, एंड रिजल्ट शुड भी डबल एज वेल. अपनी मेहनत को भी डबल करते हैं, चीजों को सीखना भी डबल करते हैं. ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं जी. अब मेरी वंस अगेन रिक्वेस्ट है, मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ट्रस्ट मी आई कैन नॉट कैटर ऑल ऑफ देम, उनको सबको नहीं मैं देख सकूंगा क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं. छोटा क्वेश्चन करें इजी करके ताकि मैं उसको जल्दी से पढ़ के आपको एड्रेस कर दूं. अब हम आ जाते हैं जी हमारे पास वेलकम प्रोग्राम की तरफ. वेलकम प्रोग्राम हमारे पास बेसिकली जिसको आप पहले जानते थे एक्टिविटी ऑप्शन के नाम से हमारे पास, उसको हमने स्ट्रेंथन कर दिया. जो वेलकम प्रोग्राम था हमारे पास पुराने वाला, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता था, वो मिस आउट भी कर देते थे. ठीक है,
और नए लोगों को तो वैसे नहीं पता कि वेलकम प्रोग्राम क्या होता है, आप उनको जो है वो बताते थे तो उनको पता चलता था नए वेलकम प्रोग्राम का, कि वेलकम प्रोग्राम है जी ये वो। अब जो हमारा वेलकम प्रोग्राम है ये हमारे पास नए और पुराने लोगों के लिए अवेलेबल है, और ये कुछ लिमिटेड मंथ्स के लिए नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस आती जाएंगी बेटरमेंट के लिए, लेकिन ये थ्रू आउट ईयर चलेगा। 50 BP के ऊपर हमारे पास जो पहले ऑप्शन होती थी हमने उसको मजीद इम्प्रूव कर दिया है गिफ्ट को, 100 BP को और ज्यादा मजीद इम्प्रूव कर दिया, और इसको पूरे साल के लिए अवेलेबल कर दिया हमने, ठीक है जी, ताकि आप लोग जोन से हैं इससे सारे के सारे आप लोग पूरा साल फायदा उठा सकते, ठीक हो गया। इसकी एलिजिबिलिटी एवरी मंथ है, थ्रू आउट ईयर है, और इसको आप थ्रू आउट ईयर अचीव कर सकते हैं, अपने नए लोगों को भी बता सकते हैं। जरा गौर कीजिएगा एक नए आने वाले शख्स के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इस टाइम। सबसे पहले एक नया शख्स अगर ज्वाइन करेगा अब आपको, तो वो एनरोल हो जाएगा स्पीड बोनस के लिए, साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर बोनस को भी क्वालिफाई कर सकता है, साथ साथ वो मैनेजर ग्रोथ बोनस को भी क्वालिफाई कर सकता है। 1500 ऑनवर्ड जोन सा आ रहा है हमारे पास, उसके लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा। फिर साथ साथ वो डबल स्पीड जो हमारे पास है, जो कैश अवार्ड आपका 3 out of 6 months में मिल रहा है, उसके लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा। साथ साथ वो वेलकम प्रोग्राम को भी क्वालिफाई कर रहा है, और इसके साथ साथ अभी मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाने के लिए जा रहा हूँ, उसको भी वो क्वालिफाई कर सकेगा, जिसको हम कहते हैं, आगे चल के आपको उसकी डिटेल बताऊंगा मैं, आपने पहले भी हो सकता है इसके बारे में सुना, ऑफकोर्स आप लोगों ने इवेंट अटेंड किया होगा, जिसको हम कह रहे हैं हमारे पास बिजनेस क्लास के ऑप्शन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो, उसको भी वो क्वालिफाई कर सकता है। सो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर अ न्यू पर्सन, ठीक है। सो ये हमने ऑप्शन के साथ जो हमारा ट्रेडिशनल ओल्ड वेलकम प्रोग्राम था, जो कि बहुत सारे लोग मिस आउट भी कर जाते थे, हमने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। और साथ साथ हमारे पास जो पुराने एनरोल्ड थे वो वैसे कंटिन्यू रहेंगे। मेरे पास ये क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा आपको उसका आंसर दोबारा दे देता हूँ, कि जो ऑलरेडी एनरोल्ड है पुराने वालों में वो कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एनरोल्ड है। अच्छा जी, इसके बाद जी मेरे पास क्वेश्चन है जी, ऑफ होने से आंसर मिला, काइंडली आपने ईमेल शेयर कर दें, आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होते हैं यू कैन आस्क मी हेयर एज वेल, और अभी हमारा एक फोरम ओपन हुआ है, कल हमारे कंट्री डायरेक्टर आपके क्वेश्चंस को कैटर कर रहे होंगे, अगर आपके पास उसका लिंक नहीं आया, मैंने सारे लीडर्स को इसके बारे में शेयर किया हुआ है अपने लीडर से, वो उनका डायरेक्ट आप क्वेश्चन उनसे भी पूछ सकते हैं, एनी सजेशन एनी क्वेश्चन, बी वेरी ओपन, आप जो भी उनसे क्वेश्चन करना चाहें यू कैन सेंड इन क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास लिंक है, फॉर्म एक आपको ओपन होगा, उस लिंक को ओपन करके उसमें अपना क्वेश्चन आप सेंड कर दें, बस सिंपल एंटर कर दें, ठीक है जी। जबरदस्ती जबरदस्ती, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इन्होंने शॉर्ट करके लिखा है काफी मेरे ख्याल से जी। एक है जी क्वेश्चन मैम उमेरा का, सर आई ज्वाइन इन नवंबर, अचीव 3% लेवल, दिसंबर 3%, लेकिन अब जनवरी में 103 BP हुए हैं, 3% लेवल खत्म हो जाएगा जी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका, जनवरी के अंदर 0% होगा, क्योंकि 3% के जो होता है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट वो 200 BP है, लेकिन खत्म होने का मतलब नहीं, अब आप दोबारा कभी सारी जिंदगी 3% पे नहीं जा सकती। नाउ मैम हुमैरा टारगेट गोल डायरेक्टर, टारगेट 15%, प्लान अकॉर्डिंगली, अटेंड ट्रेनिंग्स, कॉन्टेक्ट योर लीडर्स, नाउ दिस इज द टाइम जब आप नेक्स्ट लेवल्स पे जाए, ठीक है। सो उसके बारे में कहते हैं जी, अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ जी हमारे पास उस ऑप्शन की तरफ जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, विच इज कॉल्ड बिजनेस क्लास, जैसा कि इसका नाम है बिजनेस क्लास, ये हमारे सारे ब्रांड पार्टनर्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, और उनके बिजनेस को एक नया बूस्ट दे देगी, क्योंकि हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं वो 200 BP का एक्युमुलेटेड ऑर्डर प्लेस करके किसी भी मंथ के अंदर प्लेस करके नेक्स्ट मंथ के अंदर अपने अबव हैंडलिंग फी के ऑर्डर के साथ कोई भी कैटलॉग की दो प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम नॉवेज एंड ऑप्टिमल सेट्स, वो कोई भी दो प्रोडक्ट्स जोन से है 50% ऑफ पे हासिल कर सकते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन के आपके बेनिफिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आप 200 BP करते हैं, आपके पास एक नया रिक्रूट आया है, जरा सुनिएगा, आपके पास एक नया रिक्रूट आया है और वो 200 BP कर लेते हैं इस मंथ के अंदर, सबसे पहले 600 रुपया एडिशनल, ठीक हो गया। साथ वो अगर अपने पास एक रिक्रूट कर लेता और एंटरप्रेन्योर बोनस को भी क्वालिफाई कर सकता है,
फिर उसके साथ साथ इसी 200 बीपी के ऊपर वो अपने वेलकम प्रोग्राम को भी क्वालिफाई कर सकता है, और वेलकम प्रोग्राम 50 बीपी वाला भी मिल जाएगा उसको, 100 बीपी वाला भी मिल जाएगा, 150 बीपी के ऊपर वो कर लेता है, 50 बीपी और एक्स्ट्रा करके वो इस ऑप्शन को भी वेल कर सकता है। जस्ट इमेजिन कि आपके बेनिफिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जस्ट थिंक अबाउट इट। नए लोगों के लिए कितनी ऑप्शंस अमेजिंग होंगे, ठीक है? तो आप लोगों को नए लोगों पे फोकस करना चाहिए, उनका प्लान बनाए, अपना प्लान बनाए, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। नाउ दिस इज एन अमेजिंग ऑप्शन। बिजनेस क्लासेस की दो तीन चीजें हैं जो कि क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आया हुआ था कि अगर एक शख्स जो है वो 400 बीपी कर लेता है तो क्या वो दो की जगह पे चार ऑफर प्रोडक्ट्स ले सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक आप एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आप 400 बीपी भी कर लें, 300 भी कर लें, 500 भी कर लें, तो जो बिजनेस क्लास के अंदर आपको है वो दो ही प्रोडक्ट्स आपकी 50% ऑफ पे मिलती हैं, रनिंग कैटलॉग में से मिलती हैं, और वो जो आपको पता है हीरो सेट्स के अलावा ऑप्शन, ठीक है? और ये ऑप्शन जी बिल्कुल तमाम ब्रांड पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है, नए और पुराने सबके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट लाइक वेलकम प्रोग्राम। इसके बाद आ गया जी हमारे पास एक था जी, ये जो बीपीज हैं ये एक प्रोडक्ट के हो सकते हैं, इकट्ठे करने हैं, या आपने अलग अलग कर सकते हैं जी, बिल्कुल आपने कुमुलेटेड करने हैं, अलग अलग हो सकते हैं, आप 50-50 करके बीपी कर लें, ठीक है? टोटल अगर आपके हो गए यू विल क्वालिफाई फॉर बिजनेस क्लास ऑप्शन, ठीक है जी? अबव हैंडिंग आपके जो नेक्स्ट मंथ का ऑर्डर है आप उसके अंदर ये अवेल कर सकते हैं, अबव हैंडिंग फीस हो सकता है, और ऑफकोर्स आप ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप ऑफकोर्स इसके अंदर ज्यादा अच्छी ऑप्शन पे जाएंगे जिसपे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली अबव हैंडिंग फीस की भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपको इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है? सो ये आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन आई हैं हमारे पास, और यहाँ पे आप मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ जी मेरे पास इसके हवाले से आए हैं जी, क्या पर्सनल 200 बीपी होने चाहिए? देखिएगा जी आपके पर्सनल बीपी के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल है जी, बिल्कुल आपके 200 बीपी पर्सनल होने चाहिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपने 200 पर्सनल बीपी करने हैं, ठीक है जी? क्वेश्चन आपका है जी, आप क्वेश्चन कीजिएगा, क्या 200 बीपी ये भी बार बार क्वेश्चन होना चाहिए जी, बिल्कुल पर्सनल होने चाहिए जी आपके, वो भी मेरे पास रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ जी, बिल्कुल ये पर्सनल बीपी के लिए, पर्सनल बीपी करके देखे ना मिल क्या कह रहा है, टाइटल मिल गया आपको, इवन कि अगर आप बड़े टाइटल के ऊपर आप एलसीबी क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी आपके आपके रिपीटेड आपको मिल रहे हैं, आपको वेलकम भी मिल गया, आपको ये वाली ऑप्शन भी क्वालिफाई मिल गई, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपके इसके, ठीक है? अब हम आते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि हमारे पास बहुत ही अमेजिंग है, एक ऐसा क्लब। हमारा जो टारगेट है ना इस वक्त लीडर्स का टारगेट, आपका टारगेट एक टारगेट होना चाहिए, दैट इज टू बिकम गोल्ड डायरेक्टर एंड टू प्रोड्यूस गोल्ड डायरेक्टर्स। उसके लिए हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग क्लब लेके आए हैं जिसके जरिए आप एक्चुअली गोल्ड डायरेक्टर बन सकेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि लाइफ चेंजिंग होगा, ठीक है? इसके कुछ पर्क्स आपको बता रहा हूँ और इसके ऊपर मैं एक अलग सेशन करूंगा जस्ट फॉर सीरियस पीपल, जैसा कि आप लोग चाहते हैं ना कि आप ग्रो करें, ठीक है? और आप चाहते हैं कि जो उनसे आप कामयाब हो, आपकी इनकम ज्यादा हो, बिजनेस स्टेबल हो, आप फैमिली के लिए सोर्स बन सके, रिसोर्स हो सके, इसी तरह हम भी ये चीज चाहते हैं कि आप सब हो, लेकिन इस क्लब के लिए हम सिर्फ उन लोगों को इनकरेज करेंगे जो कि खाली ख्वाहिश नहीं करते बल्कि उसके लिए काम करने के लिए भी तैयार होते हैं। हम ऐसे लोग चाहते हैं इस क्लब के मेंबर बने जो कि एक्चुअली काम भी करें, ठीक है? वो लोग जो कि ख्वाब के साथ साथ अपने गोल्स सेट करते हैं, ठीक है? ख्वाहिश एक ऐसी चीज है जो इंसान के जो उनसे माइंड के अंदर होती है, इंसान काम ही नहीं करता, बस ख्वाहिश है नहीं। जो गोल होता है ना इंसान उसको अचीव करने के लिए कुछ काम करता है, मेहनत करता है, प्लान बनाता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, तो वी नीड पीपल इन दिस क्लब हु आर सीरियस विद देमसेल्फ्स, ठीक है? हम उन लोगों को इनकरेज करते हैं और इसके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। स्पेशल गोल्ड क्लब मेंबर्स को इनकरेज और एक्सप्लेन करूंगा मैं कि आप लोग जो उनसे हैं क्या इसके लिए सूटेबल है कि नहीं है, इसके कुछ पर्क्स हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। गोल्ड क्लब का हिस्सा बन के आपका जो गोल्ड कैश अवार्ड है वो मोर देन डबल हो सकता है अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं और आप अपना कैश आप अपना गोल्ड टाइटल क्लोज कर लेते हैं दिसंबर 2021 तक, तो आपको अब 2 लाख की जगह पे 4,20,000 रुपए का कैश अवार्ड मिलेगा, और वो भी इसी तरह डबल जो हमारे पास इम्पैक्ट आ रहा है ना डबल स्पीड वाला वो इसके अंदर भी आएगा जी। मींस कि अगर आप 3 मंथ्स मेंटेन करते हैं तो आपको 2,10,000 और 2,10,000 दो दफा मिलेगा इसके अंदर, अगर आप 6 3 आउट ऑफ 6 3 आउट ऑफ 6 मंथ्स मेंटेन कर लेते हैं।
सो नाउ दैट इज समथिंग वंडरफुल, अ वेरी अमेजिंग वर्क अबाउट दिस. आपका गोल्ड कैश अवार्ड जोन सब और मोर देन डबल हो रहा है इसके अंदर. और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर लैसे आप 2021 दिसंबर तक नहीं ये टाइटल क्लोज कर सकते और आप इस क्लब को ज्वाइन कर चुके हुए हैं, तो आप अगर 2022 तक भी क्लोज कर लेते हैं तो भी आपको डबल कैश अवार्ड मिल जाएगा जो कि 4 लाख रुपए है. वंस अगेन इसके ऊपर भी वही थ्योरी अप्लाई हो रही है, 3 months out of 6, 3 out of 6, ठीक है. तो आपको ये भी जोन्स है वो इसी तरीके से मिलेगा, लेकिन ये आपको मिलेगा अब 4 लाख रुपए अगर आप इस क्लब का मेंबर बनते हैं. दिस इज एक्सक्लूसिव ऑप्शन फॉर द गोल्ड क्लब मेंबर्स ओनली, ठीक है. अगर आपको लगता है आप बनते हैं फिर आप इसको ज्वाइन करें. इसके अंदर एक नॉमिनल सी फीस भी है जो कि 10,000 रुपीज है. इसके अंदर इनरोल होने के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स है. इसके अंदर ट्रेनिंग है आपके लिए, एक्सटर्नल की ग्रुप की ट्रेनिंग है इसके अंदर, एक्सटर्नल ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है इसके अंदर. आपके पास एक्सक्लूसिव आपको एक डेडिकेटेड DSM मिलेगा जिसके अंदर हमारे कंट्री डायरेक्टर आप लोगों के साथ एक्सक्लूसिव सेशन कर रहे होंगे. साउथ एशिया के हेड भी हो सकता है आपके साथ एक्सक्लूसिव सेशन कर रहे हो. साथ साथ हमारे जो ग्रुप CEO हैं वो भी आपके साथ सेशन करें. तो दिस इज व्हाट आर कंट्री डायरेक्टर विल ट्राई एज वेल, कि गोल्ड क्लब के मेंबर्स के लिए वो ये चीज लेके आए. लेकिन वो हाईली इनकरेज सीरियस पीपल इन दैट. और इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ जल्द सेशन करूंगा एक, एंड उसको ज्वाइन कीजिएगा. लोगों को भी इसके अंदर इनवाइट कीजिएगा. और जोन सा है आप इसका मेंबर बने अगर आपको लगता है कि आप सूटेबल, ठीक है. तो ये इसके ऊपर आपको डिटेल्स आप डिसाइड कीजिएगा उस ट्रेनिंग के बाद. यू कैन डिसाइड कि आप जो से इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है जी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास मैसेजेस में भी आ रहे थे, कल भी, आज भी आ रहे हैं. और मैं ऐसा एड्रेस भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिले आ रहा है इसमें. एक आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है वो ये कि कश्मीर डे के ऊपर ये जो 5th को आ रहा है, 5th को जोन से मैंने एक वो रखी हुई है बेसिकली अपनी मेगा OM नॉर्थ की. आपने मैक्सिमम लोगों को उसमें इनवाइट करना है ताकि हम उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स बता सके, आपकी टीम एक्सपैंड हो सके और जोन से हम ग्रोथ की तरफ जा सके. तो 5th of February यानी कि डे आफ्टर टुमारो 4 PM मैं थोड़ी देर में इनवाइट भी इसका रोटेट कर दूंगा. आपने कोशिश करनी आप मैक्सिमम न्यू ज्वाइनर्स के साथ मैक्सिमम लोगों के साथ उसको अटेंड करें, ठीक है जी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आपका कोई क्वेश्चन अनएड्रेस रह गया है तो दैट वॉज नॉट इंटेंशनल. एक मैं आपके आखिरी 2-3 क्वेश्चन देख लेता हूँ इसके हवाले से. जी आसानी भी आपके सामने स्टार्ट हो गई है जी. लास्ट डेट फॉर द एडमिशन, लास्ट डेट ऑफ फॉर द एडमिशन इज मार्च, एंड ऑफ मार्च 2021, ठीक है. 30th मार्च तक ये खत्म हो जाएगा जी. अगर हम जनवरी या फरवरी 2022 तक करें, अगर 2022 फरवरी तक आप कर लेते तो आपको डबल कैश अवार्ड मिलता है इसके अंदर. ट्रेनिंग ऑनलाइन भी होंगी इसके अंदर, डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन पेंडेमिक वी विल हैव फेस टू फेस सेशन एज वेल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट जी. सर ओल्ड डायरेक्टर्स ने अब गोल्ड डायरेक्टर बनना था, ठीक है. देखें इसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड ये जो है डायरेक्टर्स जोन से हैं वो भी इसके अंदर इनरोल हो सके. तो इसके अंदर दिस इज अ गुड न्यूज कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको उसके बारे में कंफर्मेशन भी इंशाल्लाह करा दे देंगे. मैं इसलिए कह रहा हूँ वेट फॉर द सेशन एंड वी विल गिव यू दैट, ठीक है. वी आर ट्राइंग कि हम नॉर्मल ओल्ड डायरेक्टर्स जोन से हैं उनके लिए भी ऑप्शन ओपन, ठीक है. जितनी मैक्सिमम हद तक आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करेंगे. चलो जी दैट्स ऑल जी. थैंक यू वेरी मच जी. गॉड ब्लेस यू ऑल. अजाने हो रही है, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता करे और आप सबको गोल्ड डायरेक्टर में कन्वर्ट करे और पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में प्रेजेंट करवा सके, ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच जी. अपना ख्याल रखिएगा और कल ताहिर साहब का सेशन है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा. उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं लाइव भी और उनको सेंड भी कर सकते हैं आप सेशन, और आप उनके साथ 1-to-1 बात भी कर सकते हैं कल. तो उसका भी लिंक भेज दिया हुआ है, क्वेश्चंस भेजने का भी और उस सेशन को सेगमेंट को ज्वाइन करने का भी. तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. फी मानिल्लाह अल्लाह.